हेलो नमस्कार सर। जी। सर जी नमस्कार, कौन से बात कर रहे हैं? मैं जो है गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। आपका गोरखपुर से? जी नंबर पूजा शर्मा ने दिया है मुझे। जी सर बताइए। अमित कुमार यादव, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम मेंबर बात कर रहा हूँ। मैं रामचंद्र शर्मा का भाई बोल रहा हूँ, उदय शर्मा। हाँ रामचंद्र शर्मा के भाई उदय शर्मा। जी, तो हमें एक जानकारी चाहिए था BSNL के टावर के लगवाने के बारे में। पूजा शर्मा जी ने कॉल किया था, तो उसी के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी। बताइए सर, क्या जानकारी? देखिए सर, पहली चीज तो आपसे बात हुई थी। जी हाँ, उनकी पूजा शर्मा से बात हुई थी हमारी। जी हाँ उनसे आपकी बात हुई होगी, तो उन्होंने आपको पूरी जानकारी दी होगी। किसके नाम से? आपके नाम से रूप में मिली थी या रामचंद्र के नाम से रूप में मिली थी? पिताजी के नाम से, मतलब हमारे पिताजी के नाम से बने जी, उनके ही नाम से खेत है। तो सर एक बात मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको कोई भी जानकारी, जैसे मैडम के माध्यम से भी आपको पूरी जानकारी मिली होगी, अच्छा। ठीक है? और मैं भी आपको बता दूं, इसमें आपकी जमीन 30x30 फुट 100 गज जमीन कंपनी 20 साल के लिए होगी। 30 फुट लंबाई, 30 फुट चौड़ाई, 30 फुट, जिसका किराया, हाँ 30 फुट लंबाई, 30 फुट चौड़ाई, अच्छा। जिसका किराया 15,000 रुपये महीना रहेगा, ठीक है? अच्छा। और साथ ही जो परिवार से वो ग्राम पंचायत से एक व्यक्ति को सिक्योरिटी गार्ड की तरफ कंपनी की ओर से दी जाएगी, जिसकी सैलरी 15,000 रुपये महीना रहेगी। अच्छा। जमीन मालिक और सिक्योरिटी गार्ड दोनों को 5-5 लाख रुपए का बीमा कंपनी करा के देती है, बजाज अलाउंस कंपनी से। अच्छा आपकी 30x30 फुट 100 गज जमीन का कंपनी 20 ईयर्स का एग्रीमेंट कराती है। अच्छा तहसील में 20 साल का कोर्ट एग्रीमेंट के दौरान हमारी कंपनी जमीन मालिक को 5 साल का एडवांस किराया देती है सर। आपको बनता है 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सर, 9 लाख रुपए। अच्छा। 9 लाख रुपए आपको डीडी डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से तहसील में लिखित रूप में दिया जाएगा रजिस्ट्रार के सामने। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? ये सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराई गई होगी अधिकारी के माध्यम से। अच्छा, इसके अंतर्गत आपको बताया गया होगा हमारा ये व्हाट्सएप नंबर। अच्छा ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जमीन मालिक की आईडी, दोनों साइड का फोटो, जमीन मालिक का फोटो, जमीन और रास्ता का फोटो या वीडियो 10-5 सेकंड का बना के आप हमें व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे। मैं देख लेता हूँ, जमीन का अगर रास्ता क्लियर है तो आपकी जमीन पास की जाएगी और आपकी फाइल को हेड ऑफिस की मेल कर दिया जाएगा। 72 घंटे के अंदर अंदर आपके पास हेड ऑफिस से कॉल आएगी, वहाँ से आपको डेट तारीख बताई जाएगी कंपनी के आपके यहाँ पर कब पहुँच रही है एग्रीमेंट के लिए, और साथ ही आपको रजिस्ट्रेशन लेटर हमारे यहाँ से उपलब्ध करा दिया जाएगा कल शाम तक। तो आप मतलब आप कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? जी जी अमित कुमार यादव, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टीम मेंबर, उत्तराखंड पिथौरागढ़। अच्छा अच्छा उत्तराखंड से आप बात कर रहे हैं जी। हरिद्वार की बात आए हैं कभी? मैं क्या उत्तराखंड में? जी जी हरिद्वार। हाँ हाँ उत्तराखंड हरिद्वार मैंने सुना है, मैं गया नहीं हूँ अभी तक, सुना हूँ अच्छी जगह है। गंगा वहाँ से निकलती हरिद्वार की तरफ, देवभूमि है हम लोग का, ठीक। तो मैं आपको आज, तो मान लीजिए रात हो गई, शाम हो गया है, तो मैं कल सुबह ही आपको वीडियो 10-5 सेकंड का बना के भेजता हूँ। और जैसे एक चीज मैं आपको बता दूँ सर, एक चीज मैं आपको बता दूँ, क्या आपकी कुछ चीज अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको लेटर भेज देता हूँ, उसमें आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप हमें हेलो हाय लिख करके अपना नाम लिख करके भेज दीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, आपके इस नंबर पर मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ, आप थोड़ा इसके बारे में। हमारा ये व्हाट्सएप नंबर है, मैं अभी आपको, अभी अगर हम कर देते हैं तो मैं अभी भेज दे रहा हूँ आपको। और कल अपना सर पंजीकरण शुल्क वगैरह जमा कराइए, जमीन और रास्ते का फोटो वीडियो, जमीन मालिक की आईडी फोटो भेजिएगा, कल पंजीकरण अपना कराइएगा 11-12 से 1 बजे तक, ताकि मैं आपको कल शाम तक जमीन मालिक के नाम से लेटर भेज सकूँ। एक क्षण रुकिए सर, पंजीकरण शुल्क माने मतलब कितना शुल्क लगेगा? सर आपको मैडम के माध्यम से भी सूचना दी गई होगी, बताया गया होगा? नहीं मैडम ने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था कि कोई शुल्क लगेगा। कहता है 3100 रुपए पंजीकरण शुल्क आपका लगता है, यूपी उत्तर प्रदेश का है, ठीक अच्छा। है हाँ यूपी उत्तर प्रदेश का 3100 रुपए पंजीकरण शुल्क है, जिसमें आपको 100 रुपए फाइल चार्ज कटेगा, 3000 रुपए आपको रिटर्न वापस कर दिया जाएगा कोर्ट एग्रीमेंट के दौरान तहसील में।
हाँ सर नेटवर्क की वजह से शायद कट गया था, मैं हाँ लिख के भेजूंगा। डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं ये कह रहा था 3100 रूपए आपका जमा होगा, जिसमें 100 रूपए फाइल चार्ज कट जाएगा, 3000 रूपए आपको रिटर्न वापस कर दिया जाएगा एग्रीमेंट के दौरान, हफ्ता 10 दिन में जब आपका तहसील में एग्रीमेंट होगा उसी समय आपका 3000 वापस हो जाएगा। इसको आप नजदीकी बैंक ऑफ बड़ौदा से या जनसेवा केंद्र से जमा कर सकते हैं, अकाउंट नंबर वगैरह डिटेल्स के साथ में आपको व्हाट्सएप पर पहुँच जाएगा पूरी डिटेल के साथ में, और आप गूगल पे फोन पे नेट बैंकिंग कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन सर आपको मैं लेटर भेज दूंगा, सारी कंडीशन आपके समझ में आ जाएगी। ठीक है सर, ठीक है मैं हाँ अपना नाम लिख के भेजिए हमको। हाँ ठीक है भेजते हैं, अभी अभी भेज दें, अभी जस्ट भेज दें, मैं कंप्यूटर से मतलब कंप्यूटर ऑफ करने जा रहा था क्योंकि 6 बजे का ऑफिस का समय है ना। अच्छा हाँ ऑफिस का समय 6 बजे का है, 6:05 हो चुका है। ठीक है तो शुल्क तो आप लोग जब आएंगे जमीन वमीन देख लेंगे तभी लगेगा। नहीं नहीं सर, वो आप कल हमें सुबह 9 बजे तक आईडी फोटो भेजेंगे, ठीक है, तो मैं जमीन देख करके तुरंत ही क्लियर कर दूंगा, और अगर जमीन तक रास्ता क्लियर हमको दिख रहा है तब तो आपका जमीन पास किया जाएगा, फिर आपको अकाउंट नंबर पहुंचेगा, कल इसको वहाँ 12-1 बजे तक जमा कराएंगे। शाम तक आपको जमीन मालिक जो भी हो, कोई भी हो परिवार से, उनके नाम से जो आईडी भेजेंगे उनके नाम से लेटर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, उनके बिट फोटो के साथ में होगा। पैसा मेरा किसके पास जा रहा है इसकी कौन गारंटी लेगा, सिक्योरिटी इसकी कौन लेगा? सर वो मैं आपको बता दूं, आज की डेट में कोई सिक्योरिटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं, लेकिन हाँ मैं फिर भी आपकी जिम्मेदारी लेता हूँ, क्योंकि मैं आपको बता दूँ आज खुद नहीं देखने आओगे। पहले मेरी बात का जवाब दीजिए कि आप जब मेरा खेत देखने नहीं आएंगे, मैं तो किसी का भी फोटो खींच के भेज दूंगा, आप जिम्मेदारी कैसे लोगे? मतलब किस तरह से आप बोल रहे हो कि मैं अब जिम्मेदारी लेता हूँ, क्या गारंटी? पूछा सब लोग लग नहीं रहा है। एक बात मैं आपको बता दूं सर, हेलो आप आइए, आपकी बेहतर खातिरदारी की जाएगी आपके लिए, मेरा घर अच्छा घर है, आपको रहने की व्यवस्था कर दी जाएगी, आप चाहिए तो जो है आप 10 दिन यहाँ बैठेंगे भी, आप आइए। एक मिनट अरे सर आप हमारी बात सुनेंगे, बोलिए। आपको जो सोचना दी गई है ना, ठीक है, आप जो अभी बोल रहे हैं कि हम किसी और का फोटो भेज दें, महोदय हमारा ऑफिस समय जो है ऑफ होने का है, नहीं तो मैं अभी आपसे हर एक बात का आप कुछ भी बोलते हो उसका आंसर हम आपको देते हैं अभी, ठीक है, हर एक बात का। महोदय मैं आपको बताता हूँ, 12 साल से कंपनी में हूँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल 12 साल से, आज कोई नया नहीं हूँ, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे। अभी कोई नहीं है, बहुत ऑफर आया है, जियो का ऑफर आया था अभी 10 दिन पहले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सुन लीजिए मैंने आपको सबके एक बात बोल दिया, क्योंकि मेरा ऑफिस ऑफ होने का समय कल मैंने आपको बोल दिया कि मैं सर आपको लेटर भेज दे रहा हूँ, आप लेटर में पूरी जानकारी समझ लीजिए। और दूसरी चीज महोदय, कंपनी देखिए कि कौन सी कंपनी, मैंने आपको बोला है आप बीएसएनएल का सिम चला रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सिक्योरिटी लेना पड़ता है। बड़े भाई सुन लीजिए, जो आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, बाकी जो भी आप कहेंगे तो मैं सुबह में आपको पूरी कंडीशन समझा दूंगा, पूरी बात बता दूंगा, ठीक है, बात का आंसर दूंगा। और आपके यहाँ पर जो सर्वे हुई है, जो आप बोल रहे हैं ना, जो सर्वे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगा कब सर्वे हुई थी आपके यहाँ पर। अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है, हमें कंपनी से ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं होती हमारे अधिकारियों की कब सर्वे हुई कब नहीं हुई, मैं आपको ऐसे ही फोन करके बोल दूं, सर ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कंपनी से, हमें जब तक सर्वे नहीं होती तब तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं बता सकते। और सर्वे होता है किसी भी चीज का, सर्वे ऐसा ऑनलाइन नहीं होता है, फोटो से नहीं होता है कोई चीज। आप भाई सर्वे आप समझ नहीं रहे, समझ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ कि जो सर्वे आपके यहाँ से हुई थी, होने के लिए नहीं बोला, हुई थी बोल रहा हूँ, ठीक है, सर्वे अगर आपके यहाँ पर हुई थी तभी आपको सूचना दी गई होगी, ठीक है, और सूचना अभी नहीं, आपको पहले भी सूचना दी गई होगी। अच्छा हाँ, आपको जो है 1.5-2 महीना पहले भी सूचना दी गई होगी। अच्छा, और महोदय सर्वे जो है जो जिला गोरखपुर है, ठीक है, जिला गोरखपुर आपने बोला है, जिला गोरखपुर की सर्वे आज की नहीं आई है, नहीं आपको मैं बोल रहा हूँ होने के लिए, सर्वे हुई थी जनवरी फरवरी 2020 में जिला गोरखपुर की। अच्छा ठीक है, तो क्या जनवरी फरवरी 2020 में, सुनिए, 2020 में 1 साल 10 महीना